क्या आपको पेशाब करते समय जलन और दर्द होता है? पेशाब में खून या मवाद आता है? बार बार पेशाब करने का मन करता है और जब पेशाब करते हैं तो पूरा पेशाब नहीं निकल पाता? अगर ऐसा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये पेशाब में संक्रमण के लक्षण हैं। यूरिन में इन्फेक्शन अक्सर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है, क्योंकि लोग शर्म के कारण डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। लेकिन जब स्थिति हद से आगे बढ़ जाती है तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसीलिए परेशानी को छिपाकर ज्यादा बढ़ाने से बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होती है, और महिलाओं में भी 15 से लेकर 45 साल तक की महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा होती है। इस बीमारी में यूरिन के रास्ते में खुजली, जलन और सुई से चुभन की तरह असहनीय पीड़ा हो सकती है। इसके साथ ही कई बार मूत्र के साथ मवाद और खून भी आ जाता है। कई लोग शर्म या किसी और कारण से इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेने वाले 26% लोगों में गुर्दे फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बीमारी के बारे में आपको थोड़ा गहराई से बताते हैं। यूरिन इन्फेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण यानी कि नॉर्मल इन्फेक्शन जो कभी कभी कम पानी पीने से भी हो जाता है। ऐसे में पानी की पूर्ति करके इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन दूसरा यानी कि असाधारण इन्फेक्शन काफी खतरनाक होता है। असाधारण संक्रमण शुगर पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया, पथरी के रोगियों, रिफ्लेक्स, बिस्तर पर मूत्र त्याग करने वाले बच्चों, एड्स के रोगियों तथा गुर्दा प्रतिरोपण के रोगियों को होता है। ऐसे रोगियों में संक्रमण के कारण गुर्दा फेल होने और पूरे शरीर में जहर फैलने का भी खतरा होता है। इसीलिए असाधारण इन्फेक्शन का समय पर इलाज करवा देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ज्यादातर संक्रमण जीवाणुओं के कारण होते हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सभी जीवों के यूरिन करने के स्थान पर ऐसे जीवाणु होते हैं जो उन्हें संक्रमण से बचाते हैं। इनमें लैक्टोबैसिल्स, बैक्टीरियोइड्स और स्ट्रेप्टोकोकस प्रमुख हैं। सभी जीवों में मूत्र मार्ग में कुछ ऐसे जीवाणु निवास करते हैं जो लाभदायक होने के साथ साथ संक्रमण होने से भी बचाते हैं। और किसी कारण से इन जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है तो कुछ दूसरे हानिकारक जीवाणु जैसे ईकोलाई, क्लेबसेला और प्रोटियस जैसे हानिकारक जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इन्फेक्शन को जन्म दे देते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस तरह के इन्फेक्शन होने पर जांच कैसे और क्यों करवानी चाहिए। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन होने का अंदेशा होने पर प्रयोगशाला में जाकर अपने मूत्र की जाँच करवाएं। कुछ लोग पेशाब में मवाद आने को यूरिन इन्फेक्शन समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन के कारण ही पेशाब में मवाद नहीं आता है। इसके कई और कारण हो सकते हैं, जैसे गुर्दे की टीबी या शरीर के अंदर की कुछ अन्य बीमारियां। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका एक प्रमुख कारण वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट सीट या अनहाइजेनिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना हो सकता है। बहुत देर तक पेशाब रोक कर रखने की आदत के कारण भी कई लोग यूरिन इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। कई बार पथरी के रोगियों में यूरिन लाइन में पथरी के फंस जाने के कारण भी इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था में और कई बार कम इम्यूनिटी वाले लोगों में भी ये देखा जाता है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंधों, गर्भ निरोधक गोलियों और ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयों के इस्तेमाल के कारण भी कई बार यूरिन इन्फेक्शन की शिकायतें सामने आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पेशाब में मवाद की समस्या है और आप यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही स्वास्थ्य वर्धक वीडियोस देखने को मिलती रहें।